कानपुर में कई पुलिस वालों के हत्या के आरोपी विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। यूपी पुलिस विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ला रही थी। शुक्रवार सुबह पुलिस ने जानकारी दी कि एसटीएफ की जिस गाड़ी में विकास को लाया जा रहा था वो पलट गई। इस बीच विकास ने एक पुलिस वाले का हथियार छीन भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने गोली चला दी। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। अब ये तो हुई पुलिस की थ्योरी, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर की कहानी सामने आने के बाद इंटरनेट पर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आ रही है। इसमें एक विकास दुबे की गाड़ी को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिनमें कथित तौर पर यह दिख रहा है कि जो गाड़ी पलटी उसमें विकास दुबे था ही नहीं। बताया जा रहा है कि हादसे में दूसरी गाड़ी पलटी, हालांकि इसे लेकर पुलिस का कोई बयान नहीं आया है। अक्सर ऐसा भी होता है कि पुलिस जब किसी हाई प्रोफाइल क्रिमिनल को लेकर आती है तो सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ियों की अदला बदली भी होती है। अब ऐसे में असल बात क्या है, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही होगा। विकास दुबे के इस एनकाउंटर के बाद प्रदेश की राजनीति का पारा एकदम गर्म हो गया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि दरअसल ये कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। इसी तरह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा है कि अपराधी का अंत तो हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। पिछले कई मामलों में भाजपा सरकार के पक्ष में खड़ी नजर आने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती के रुख भी इस मामले में अलग नजर आए। मायावती ने ट्वीट कर इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने लिखा है कि कानपुर पुलिस हत्याकांड की तथा साथ ही इसके मुख्य आरोपी दुर्दांत विकास दुबे को मध्य प्रदेश से कानपुर लाते समय आज पुलिस की गाड़ी पलटने व उसके भागने पर यूपी पुलिस द्वारा उसे मार गिराए जाने आदि के समस्त मामलों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।